असंख्य धन्यवाद माननीय राज्य सभापति महोदय श्री राजीव में उत्तर त्रिपुरा में आए हो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ समृद्ध त्रिपुरा के संकल्प की मुक्ति दीजिए और प्रचंड बल से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की मंच उपस्थित के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे मित्र श्रीमान विप्लव कुमार देव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री जीतूदेव वर्मन जी बहन प्रतिमा भौमिक केंद्रीय मंत्री जी सांसद देवती त्रिपुरा जी संदीप पात्रा हमारे उत्तर पूर्व के इंचार्ज संदीप भाई आ गया हो जरा मंच पर सबको प्रणाम करो ताली बजाइए संदीप भाई के पास किए हमारे नए प्रभारी सांसद महेश शर्मा जी श्री समीर ओराम जी राज्य के मंत्री महोदय विधायकगण और पदाधिकारीगण और आज उत्तर त्रिपुरा के गांव गांव से आए हुए इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं मौसम के कारण आने में एक घंटे से ज्यादा देरी हुई है मगर मैं अभी यहां हेलीपैड से आ रहा था 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था रास्ते के दोनों ओर जिस ओर भी दिखाई पड़े उस ओर लोग ही लोग दिखाई पड़े थे और पूरा सभागार भरा हुआ
उत्तर त्रिपुरा की जनता का यह प्यार, उत्तर त्रिपुरा की जनता का यह विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर माणिक साहब पर, जिष्णुदेव बर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहीं से सीधा मां के दरबार में मत्था टेकने की ये मैं जाने वाला हूं। और आज जब मैं यहां हूं, माणिक्य वंश के राजाओं और महान महाराजा वीर विक्रम को भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने त्रिपुरा को भारत के साथ जोड़ रखा। गुरुवर टागोर, माणिक्य वंश के सभी राजाओं के साथ बहुत उत्साहपूर्वक और घनिष्ठ संबंध रहे और यही त्रिपुरा की धरती ने हमें एसडी मर्मन जैसा एक बड़ा नगीना पूरे देश भर के संगीत को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाला एसडी मर्मन देने का काम किया। इस त्रिपुरा की धरती को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। विश्वास यहां से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी यूनिट को साधुवाद बधाई देना चाहता हूं। ये यात्रा का नाम विजय यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम संकल्प यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा है, जन विश्वास। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकारों के काम के आधार पर ही जनता का भरोसा जीता जा सकता है। मुझे याद है 2018 में मैं पहली बार त्रिपुरा आया, मेरी बहुत बड़ी सभा हुई थी और उसमें 11 लोग उपस्थित थे। कितनी बड़ी सभा हुई थी, 11 लोग उपस्थित थे, मगर हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के साथ उतार कर फेंक देंगे और मैंने ही नारा दिया था चलो पलटाई, और त्रिपुरा की झंडा का हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ऋण रहेगा। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं देश में ऐसी सरकार नहीं बननी होगी जिसका अगली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं और चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। हमने ना ऐसा देखा है ना सुना है। मैं त्रिपुरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, यात्रा 8 दिन चलेगी, 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में जाएगी, 1000 किलोमीटर चलेगी, 200 से ज्यादा जनसभाएं, 100 से ज्यादा पदयात्राएं और 50 रोड शो ये यात्रा कवर करकर हमने आपके विश्वास के अनुरूप जो काम किया है वो बताए। माताओं, भाइयों, बहनों, 2018 का चुनाव त्रिपुरा को कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्त कराने का चुनाव। लगभग 3 दशक तक कम्युनिस्टों ने यहां शासन किया मगर त्रिपुरा की समस्याओं का समाधान नहीं। पानी लेना है तो उनकी कैडर के पास जाओ, रोजगारी लेनी है कैडर के पास आओ, राशन लेना है कैडर के पास आओ, थाने केस दर्ज करना है तो कैडर के पास आओ। सारा प्रशासन कैडर के नीचे ला दिया था। आज मैं आपको पूछता हूं कहीं पर वो कम्युनिस्टों का कुशासन दिखता है? भाई बताइए, दिखता है?
ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी है। अरे चुनाव 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में, विप्लव देव और माणिक शाह के नेतृत्व में जो विकास की नींव डालने का काम हुआ है, वो नींव पर एक समृद्ध त्रिपुरा की इमारत बनाने का काम ये 5 साल के अंदर करना है। एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है जहां हर युवा को अपने ही राज्य में काम मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर आदिवासी ट्राइबल भाई को अधिकार मिले, हर घर में गैस का सिलेंडर तो पहुंच ही रहा है, हर घर में शौचालय तो पहुंच ही रहा है, मगर हर घर में स्वच्छ पीने का पानी भी मिले, हरेक के लिए अस्पताल की व्यवस्था, ये समृद्ध त्रिपुरा जो उद्योगों से लैस हो, ये त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा, इसके नारे के साथ हम ये यात्रा लेकर निकले हैं। बुधवार बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बालेंद्र कुमार घोष का जन्मदिन भी है, मैं आज उनको प्रणाम करता हूं और याद करता हूं। मित्रों, जो डबल इंजिन सरकार हमारी चली, उसे अंधकार की जगह अधिकार दिया है, विनाश की जगह विकास दिया है, विवाद की जगह विश्वास दिया है, कुशासन की जगह सुशासन दिया है और दुविधा की जगह सुविधा देने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे मोदी जी ने कहा था कि आप हमें सरकार दीजिए, हम आपको हीरा से मतलब था, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज, हमने चारों वचन हमारे दो मुख्यमंत्री विप्लव और माणिक भाई ने पूरे कर दिखाए हैं और हमने हीरा के साथ साथ माणिक भी देने का काम किया है, तो हीरा माणिक दोनों त्रिपुरा वालों के पास। माताओं भाइयों बहनों, हमारी इंजीन सरकार ने डबल सेवा भाव, समर्पण भाव त्रिपुरा में देने का काम किया है। यही त्रिपुरा कभी उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, आंदोलन, भ्रष्टाचार और आदिवासियों से अन्याय से जाना जाता था, इसकी जगह विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक खेती का काम और आदिवासियों को अपना अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने एनएलएफटी से समझौता कर उग्रवाद को समाप्त किया, भूख परिवारों को यहां पर बसाकर बहुत बड़े 50,000 से ज्यादा बड़े जनसमूह को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, जनजातीय गौरव का जवाब सवाल है, मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया है। मित्रों, जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, मैं आज आपको बताने आया हूं, 2.7 लाख 2,70,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 4.25 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने की सुविधा शुरू की है। लगभग 3,80,000 शहर और गांव मिलकर आवास देने की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा 10,000 से ज्यादा करोड़ के कनेक्टिविटी के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हमने किए हैं और 2,800 करोड़ रुपया 262 किलोमीटर लंबा
आगरा के राजमार्ग बनाने का काम भी किया है। 73,000 से ज्यादा माताओं को मातृवंदना योजना में 5,000 से ज्यादा राशि मिलती है। 17 एकलव्य हमारे स्कूल बनाए हैं। 2.5 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में देने का काम है। 1.3 लाख 1,30,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है और 13 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। माताओं भाइयों बहनों, कोविड आया, मोदी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित कर सबसे पहले भारतीय टीका बनाया। जिनके कोविड के डोज लग गए हैं वो हाथ ऊपर उठाओ तो भाई, जरा ऊपर उठाइए। सबको लग गए ना? अरे बोलो तो, लग गए हैं पक्का? 25 पैसा भी देना पड़ा है? सरकार ने कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई? मोदी जी ने 230 करोड़ की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाकर भारत को सुरक्षा से युक्त कर कोरोना से बचाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों, 2.25 साल से सरकार प्रति व्यक्ति प्रति घर प्रति माह 5 किलो देने का काम कर रही है और गरीब माँ का चूल्हा जलाने का काम हुआ। मित्रों, त्रिपुरा में स्टार्टअप के लिए माननीय शाह जी ने 15 करोड़ रुपया आवंटित किया है। फुटबॉल मैदान 3 सिंथेटिक और 1 टर्फ 20 करोड़ रुपए के लागत से हमने बनाए हैं और एक कम्युनिस्ट सरकार त्रिपुरा के सारे कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग में समेट कर बैठी थी। हमारे भाई विप्लव ने उनको 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, आप में मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित बनाया, मोदी जी ने पूरे देश को समृद्ध बनाने की नींव डाली, मोदी जी ने पूरे देश को शिक्षित बनाने का अभियान चलाया है और ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों त्रिपुरा का भला नहीं कर सकते। मुझे बताओ भाई, आप चाहते हो फिर से कम्युनिस्ट आ जाए? अरे जोर से बोलो, चाहते हो क्या कांग्रेस आई? चाहते हो? अरे कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया समाप्त हो गए। त्रिपुरा का भला है मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारी जनविश्वास यात्रा गांव गांव जाएगी, नगर नगर जाएगी, आप इसका समर्थन करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? माणिक शाह के हाथ मजबूत करेंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो मेरे साथ त्रिपुरेवार भाजपा सरकार बोलना है। मैं बोलूंगा त्रिपुरेवार, आप बोलोगे क्या? बोले मेरे साथ, बोले त्रिपुरेवार, त्रिपुरेवार, त्रिपुरेवार। मेरे साथ दोनों हाथ लगाकर कांग्रेसों के दिल दहल जाए ऐसी आग में मुट्ठी बीनकर भारत माता का जयकारा लगाइए। जो लोग रोड पर सुन रहे वो भी लगाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
इतिमध्ये मध्य उपस्थित रहे राज्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह महोदय सांसद राज्यसभा श्री विप्लव कुमार देव महोदय सुश्री प्रतिमा भौमिक महोदया एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अमित भाई शाह जी के भवन को नवारे मरीना देवनाथ जिलापति सकले भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रतिष्ठित आज के मठ त्याग क्योंकि निज निज विधानसभा जनविश्वास लक्ष्य स्वागत जनविश्वास लक्ष्य मानुषर का संकल्प संकल्प ग्रहण करते हैं कैटी धन्यवाद एवं अभिनंदन সম্বোধন করবে এখন ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় সাংসদ রাজ্যসভার শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় এবং সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া এখন माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अमित भाई शाह जी के भवन को नवारे मरीना देवनाथ जिला सभापति एवं रूपाली चौधरी महोदय के अनुरोध करछि संगे हमारे ऐतिह्यवाही गुणवती प्रतिकृति एक सुंदर छवि उनके प्रदान करा हबे অত্যন্ত সুন্দর একটি পরিস্থিতি প্রদান করা হচ্ছে উনি যা সমস্ত বিশ্বের সবার দ্রুত ইউনেস্কো যাকে গ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক স্তরে তার সুনাম রয়েছে এখন আপনাদের সামনে ভাষণ রাখবেন রাজ্যের মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় आज के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कमिटी उद्योगे आज के हमरा जन विश्वास यात्रार शुरुआत हमरा करते जाछी एकटा उत्तर त्रिपुरा एकटा दक्षिण त्रिपुरा थेके हमरा राज त्रिपुरा हमरा जन विश्वास यात्रार हमरा सूचना करछी এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী আদরণীয় অমিত ভাই শাহজি মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মন মহোদয় আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন এমএস কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এমপি আমাদের রেবতী ত্রিপুরা সহ রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য সদস্যগণ এবং বিধায়ক বিধায়িকা রাজ্য কমিটির অন্যান্য আমার অফিসের টিম এবং দূর দূরান্ত থেকে যারা আমাদের এই সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন সকলকে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আর বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে আমরা এই আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে জনবিশ্বাস যাত্রায় আমরা স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুগণ আমি কথা বলবো আমরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছেন আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য আমি শুধু একটাই কথা বলবো
राज्य सभापति हिसाब से दायित्व देवर पर दिन आस 2023 भारतीय जनता पार्टी सरकार है और 7 विधानसभा 7 भारतीय जनता पार्टी कर्तव्य से उठे से अलौकिक हो आज के धर्म उपस्थिति प्रमाण कर विशेष अमित रॉयर उपस्थिति जनसभा प्रमाणित कर दिए 2023 त्रिपुरा राज्य अन्य को दल ने शुद्ध भारतीय रथ धीरे धीरे सामने दिखे एगिए जाते सकले ऐसी आवाज नहीं चलेगी। बहुत समय के बाद त्रिपुरा में आया हूं, मेरे दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ, समृद्ध त्रिपुरा के संकल्प की मुट्ठी बिछिए, प्रचंड वादे होइए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे मित्र श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मन जी, बहन प्रतिमा भौमिक, केंद्रीय मंत्री जी, सांसद देवती त्रिपुरा जी, संदीप पाका, हमारे उत्तर पूर्व के इंचार्ज संदीप भाई आ गया हो जरा मंच पर, सबको प्रणाम करो, ताली बजाइए संदीप भाई के पास किए। हमारे नए प्रभारी सांसद महेश शर्मा जी, श्री समीर ओराम जी, राज्य के मंत्री महोदय, विधायकगण और पदाधिकारीगण, और आप उत्तर त्रिपुरा के गांव गांव से आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे ही युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मौसम के कारण आने में 1 घंटे से ज्यादा देरी हुई है, मगर मैं अभी यहां सभा मंच पर हेलीपैड से 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था, रास्ते के दोनों ओर जिस ओर भी दिखाई पड़े उस ओर लोग ही लोग दिखाई पड़े थे और पूरा सभागार भरा हुआ। उत्तर त्रिपुरा की झंडा का एक डर, उत्तर त्रिपुरा की झंडा का यह विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर माणिक शाह पर, विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। बात जब मैं आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, यहीं से सीधा मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए मैं जाने वाला हूं। और आज जब मैं यहां हूं, माणिक्य वंश के राजाओं महान महाराजा वीर विक्रम को भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने त्रिपुरा को भारत के साथ जोड़कर रखा।
गुवर टागोर माणिक्य वंश के सभी राजाओं के साथ बहुत उत्साहपूर्वक और घनिष्ठ संबंध रहे और यही त्रिपुरा की धरती ने हमें एसडी मनमन जैसा एक बड़ा नगीना पूरे देश भर के संगीत को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाला एसडी बर्मन ने दिखाया। इस त्रिपुरा की धरती को मैं बार बार प्रणाम चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी यूनिट को साधुवाद बधाई देना चाहता हूं कि यात्रा का नाम विजय यात्रा नहीं रखा, यात्रा का नाम संकल्प यात्रा नहीं रखा, यात्रा का नाम जन विश्वास रखा है, जन विश्वास। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकारों के काम के आधार पर ही जनता का भरोसा जीता जा सकता है। मुझे याद है 2018 में मैं पहली बार त्रिपुरा आया, मेरी बहुत बड़ी सभा हुई थी और उसमें 11 लोग उपस्थित थे। कितनी बड़ी सभा हुई थी, 11 लोग उपस्थित थे, मगर हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कांग्रेसों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कांग्रेसों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे और मैंने ही नारा दिया था चलो पलटाई, और त्रिपुरा की जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ऋण रहेगा। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं देश में ऐसी सरकार नहीं बनी होगी जिसका अगली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं और चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। हमने ना ऐसा देखा है ना सुना है। मैं त्रिपुरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माताओं भाइयों बहनों, यात्रा 8 दिन चलेगी, 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में जाएगी, 1000 किलोमीटर चलेगी, 200 से ज्यादा जनसभाएं, 100 से ज्यादा पदयात्राएं और 50 रोड शो की यात्रा कवर कर हमने आपके विश्वास के अनुरूप जो काम किया है वो बताएं। माताओं भाइयों बहनों, 2018 का चुनाव त्रिपुरा को कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्त कराने का चुनाव था। लगभग 3 दशक कम्युनिस्टों ने यहां शासन किया मगर त्रिपुरा की समस्याओं का समाधान नहीं। पानी लेना है तो उनकी कैडर के पास आओ, रोजगारी लेनी है कैडर के पास आओ, राशन लेना है कैडर के पास आओ, थाने में केस दर्ज कराना है तो कैडर के पास आओ। सारा प्रशासन कैडर के नीचे ला दिया था। आज मैं आपको पूछता हूं, कहीं पर वो कम्युनिस्टों का कुशासन दिखता है भाई? बता के दिखता है? ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी है। और एक चुनाव 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, विप्लव देव और माणिक शाह के नेतृत्व में जो विकास की नींव डालने का काम हुआ है, वो नींव पर एक समृद्ध त्रिपुरा बनाने का काम ये 5 साल के अंदर करना है। एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है जहां हर युवा को अपने ही राज्य में काम मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर आदिवासी ट्राइबल भाई को अपना अधिकार मिले, हर घर में गैस का सिलेंडर तो पहुंच ही गया है, हर घर में शौचालय तो पहुंच ही गया है, मगर हर घर में स्वच्छ पीने का पानी भी मिले, हरेक के लिए अस्पताल की व्यवस्था। ये समृद्ध त्रिपुरा जो उद्योगों से लैस हो, ये त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा।
त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा, इसके नारे के साथ हम ये यात्रा लेकर निकले। तो आज बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बारेंद्र कुमार घोष का जन्मदिन भी है। मैं आज उनको प्रणाम करता हूं और याद करता हूं। मित्रों, जो डबल इंजिन सरकार हमारी चली, उसे अंधकार की जगह अधिकार दिया है, विनाश की जगह विकास दिया है, विवाद की जगह विश्वास दिया है, कुशासन की जगह सुशासन दिया है और दुविधा की जगह सुविधा देने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे मोदी जी ने कहा था कि आप हमें सरकार दीजिए, हम आपको हीरा से मतलब था, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज। हमने चारों वचन हमारे दो मुख्यमंत्री विप्लव और माणिक भाई ने पूरे कर दिखाए हैं और अंत में हमने हीरा के साथ साथ माणिक भी देने का काम किया है। तो हीरा और माणिक दोनों त्रिपुरा वालों के पास है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारी डबल इंजन सरकार ने डबल सेवा भाव, समर्पण भाव त्रिपुरा में देने का काम किया है। यही त्रिपुरा कभी उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेट, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और आदिवासियों से अन्याय से जाना जाता था। इस जगह विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक खेती का काम और आदिवासियों को अपना अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने एनएलएफटी से समझौता कर उग्रवाद को समाप्त किया, ध्रुव परिवारों को यहां पर बसाकर बहुत बड़े 50,000 से ज्यादा बड़े जनसमूह को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, जनजातीय झगड़ों का जवाब सवाल है, मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया है। मित्रों, जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, मैं आज आपको बताने आया हूं 2.7 लाख 2,70,000 माताओं को गैस सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 4.25 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने की सुविधा शुरू की है। लगभग 3,80,000 शहर और गांव मिलकर आवास देने की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा 10,000 से ज्यादा करोड़ के कनेक्टिविटी के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हमने किए हैं और 2,800 करोड़ रुपया 262 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम भी किया है। 73,000 से ज्यादा माताओं को मातृवंदना योजना में 5,000 से ज्यादा राशि मिलती है। 17 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए हैं। 2.5 लाख किसानों को प्रतिसाल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में देने का काम है। 1.3 लाख 1,30,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है और 13 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, कोविड आया, वैज्ञानिकों को प्रेरित कर सबसे पहले भारतीय जिनके कोविड के डोज लग गए हैं वो हाथ ऊपर उठाओ। तो भाई जरा ऊपर उठाइए, सबको लग गए ना? अरे वो तो लग गए हैं पक्का। 25 पैसा भी देना पड़ा है? सरकार ने कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई?
मोदी जी ने 230 करोड़ की जनता को टीका लगाकर भारत को सुरक्षा से युक्त कर कोरोना से बचाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को 2.25 साल से सरकार प्रति व्यक्ति प्रति घर प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है और गरीब मारा चूल्हा जलाने का काम हुआ है। मित्रों, त्रिपुरा में स्टार्टअप के लिए मानसागी ने 15 करोड़ रुपया आवंटित किया है। मैदान 3 सिंथेटिक और एक टर्फ 20 करोड़ रुपए के लागत से हमने बनाए हैं और एक कम्युनिस्ट सरकार त्रिपुरा के सारे कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग के समेट कर बैठी थी। हमारे भाई विप्लव ने उनको 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मैं एक अपील कर रहा हूं, मोदी जी ने पूरे देश को समृद्ध बनाने की नीति, मोदी जी ने पूरे देश शिक्षित बनाने का अभियान चलाया है और कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों त्रिपुरा का अभियान भाई आप चाहते हो पीछे कम्युनिस्ट आ जाए? अरे कांग्रेस देश समाप्त हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। माता भाइयों, मुझे बताओ हमारी जनविश्वास क्या गांव गांव जाएगी, नगर नगर जाएगी, आप इसका समर्थन करेंगे क्या? अरे जो करेंगे क्या? कमल के निशान पर आएंगे क्या? फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? मानिका के हाथ मजबूत करेंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? मेरे साथ त्रिपुरे आवार भाजपा सरकार बोलना है, मैं बोलूंगा त्रिपुरे आवार, आप बोलोगे क्या बोलोगे? मेरे साथ बोले त्रिपुरे आवार, त्रिपुरे आवार। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर कम्युनिस्टों के दिल दहल जाए ऐसी आवाज में मुट्ठी भींचकर भारत माता का जयकारा लगाइए। जो लोग रोड पर सुन रहे हैं वो भी लगाए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।